हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 3 की मिसलेनियस। सबसे पहले करेंगे एग्जांपल नंबर 25। एग्जांपल 25 ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग है, न्यू बुक्स में ये एग्जांपल नंबर 18 है। एग्जांपल 18 न्यू बुक्स में तो क्या है, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, कॉस वाई इज इक्वल टू -12/13, where x and y both lie in second quadrant, find the value of sin x plus y. Sin x दे रखा है 3/5, cos y दे रखा है -12/13. Value find करनी है किसकी, sin x plus y की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, sin a plus b का क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब नोटिस करो मेरे पास साइन एक्स की वैल्यू है, कॉस वाई की, तो मिसिंग क्या है, कॉस एक्स और साइन वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये हमने सीखा था 3.2 में, आपको याद हो हमने 3.2 में सीखा था कैसे, अगर एक एंगल दे रखा है वैल्यू निकालने के लिए, ये रहा जैसे tan x है -5/12, x फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बाकी सबकी वैल्यू निकालनी है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो क्या है मेरे पास, साइन एक्स है 3/5, निकालूंगा कैसे, कॉस एक्स यूज करेंगे इसके लिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब क्योंकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है मेरा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकेंड में साइन और कॉस एक्स ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस एक्स क्या होगा नेगेटिव, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर कॉस एक्स। सॉल्व कर दो 25 माइनस 9, दैट इज 16, तो -4/5 रूट मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, कॉस एक्स आ गया मेरा। अच्छा अब इसी तरह निकाल लो, कॉस एक्स भी आ गया, साइन वाई कॉस वाई है, कॉस वाई कितना है -12/13, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर सीधा लिख रहा हूँ, साइन वाई क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो रूट 1 माइनस -12/13 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा साइन वाई, ये आपका आ जाएगा 25/169, दैट इज 5/13। नाउ लास्ट में वैल्यू पुट कर दो साइन एक्स प्लस वाई की, साइन एक्स 3/5 इंटू कॉस वाई -12/13 प्लस कॉस एक्स -4/5 इंटू कॉस एक्स आ गया इंटू साइन वाई
5/13 सॉल्व कर दो, ये वैल्यू कितनी आ रही है -36 और -20 -56/65। क्वेश्चन नंबर वन कैसे करेंगे, यहां मैं अप्लाई कर दूंगा cos a plus b का फॉर्मूला, cos a plus cos b का फॉर्मूला, देखो cos a plus cos b 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2। बच्चों एक कॉमन एरर बता रहा हूं, कई बच्चे सोचते कि 2 से 2 कटता क्यों नहीं है, बेटा 2 से 2 इसलिए नहीं कटता क्योंकि ये पूरा ही थीटा है, ये पूरा एक वैल्यू है, इट जस्ट लाइक 2 cos थीटा। तो क्या ये 2 और थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं? नो, सेम यहां पर है। आइए तो अप्लाई करो इस पे 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 प्लस अप्लाई कर दो 2 cos a प्लस b 3 pi by 13 प्लस b 5 pi by 13 अपॉन 2 into cos a minus b 3 pi by 13 minus 5 pi by 13 upon 2। टू cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 अब ये कितना हो गया 2 cos 8 pi by 13 और नीचे वाला reciprocal होके multiply into 1 by 2 नीचे 2 था same cos 3 pi minus 5 pi that is minus 2 pi by 13 into 1 by 2 ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। कॉस में नेगेटिव, अगर कॉस नेगेटिव है कॉस माइनस थीटा तो कॉस क्या करता है माइनस को खा जाता है, तो 2 कॉस पाई बाय 13 इंटू कॉस 9 पाई बाय 13 प्लस 2 कॉस 4 पाई बाय 13 इंटू कॉस पाई बाय 13। अब क्या करो बेटा, यहां से कॉमन ले लो 2 और cos pi by 13 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 4 pi by 13। अब फोकस करना बेटा, अगर कभी भी आपका दो एंगल इस तरह के हो जिनका सम 90, 180, 270, 360 हो, क्या कोई भी ऐसे दो एंगल हो जिनका सम क्या हो जाए, ये बन जाए क्या 90, 180, 270, 360, तो उनमें से हम एक को चेंज कर लेते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है लेट्स से मैंने बोला साइन 30 प्लस कॉस लेट्स से कॉस 150 राइट, चेक करो अगर आप देखो ये 30 ये 150 मिला के कितना बना रहे हैं 180 राइट, तो मैं क्या करूंगा इनमें से एक को चेंज कर लूंगा। अब किसको करूं 150 को कर लेते हैं, साइन 30 प्लस कॉस 150 को मैं क्या लिख सकता हूं 180 माइनस 30। अब क्या बन जाएगा ये कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज माइनस कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा साइन 30 माइनस कॉस 30। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो। ये मैंने क्यों बताया है, इसका रीजन यहां पर है 9 पाई बाय 13 और 4 पाई बाय 13 ऐड करके देखो कितना आ रहा है 9 पाई बाय 13 और 4 पाई बाय 13 9 पाई बाय 13 और 4 पाई बाय 13 13 पाई बाय 13
यानी पाई आ रहा है, तो क्या करूंगा इनमें से एक को चेंज, कैसे इसको करूं, इसको करूं, इसको करूं, लेट्स से मैं इसको कर लेता हूं, नाइन को टू कॉस पाई बाय थर्टीन बाहर, कॉस नाइन पाई बाय थर्टीन को क्या लिखेंगे, थर्टीन पाई माइनस पाई, थर्टीन पाई माइनस फोर पाई अपॉन थर्टीन प्लस कॉस फोर पाई बाय थर्टीन, अब सेपरेट कर दो, टू कॉस पाई बाय थर्टीन, ये क्या कॉस पाई माइनस फोर पाई बाय थर्टीन प्लस कॉस फोर पाई बाय थर्टीन, क्या लग जाएगा यहां पर, ये जगह कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, टू कॉस पाई बाय थर्टीन माइनस कॉस फोर पाई बाय थर्टीन प्लस कॉस फोर पाई बाय थर्टीन, जीरो कट गया। अब जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आर एच एस, हेंस प्रूफ। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन टू साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू एक्स जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। यहां अप्लाई होगा साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू। बच्चों जितनी बार फॉर्मूला यूज करो उतनी बार लिखो ताकि आपको इजिली लर्न हो जाए। और यहां अप्लाई होगा कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू, लगाओ टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स बाय टू तो कितना हो जाएगा फोर बाय टू यानी टू एक्स, तो टू साइन टू एक्स इंटू कॉस ए माइनस बी, थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स, टू एक्स बाय टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, इसको करो इसके ऊपर लगा रहे माइनस टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स बाय टू, टू एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स, थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स अपॉन में टू यानी वन एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जरा नोटिस करो ये सेम है, अरेंज कर दो जरा, टू साइन टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन टू एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, कट गया कट गया, पूरा आ गया जीरो। ये था पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर, मैं चाहूंगा आप इसे पहले खुद ब खुद ट्राई करें, इनमें से एक पार्ट मैं कराऊंगा और एक आप करेंगे। क्वेश्चन थ्री करते हैं, नोटिस करो क्या अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन थ्री में, कॉस ए प्लस कॉस बी टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, यहां साइन ए माइनस साइन बी टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू, कर दो टू कॉस ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी एक्स माइनस वाई अपॉन टू इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस टू साइन ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाय टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू का होल स्क्वायर, सॉल्व करो फोर कॉस स्क्वायर
एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। जिनको ये पॉइंट नहीं समझ आया कि ये स्क्वायर कैसे हुआ, उनके लिए बता दूं, हमारा हमने बचपन में पढ़ा था ए की पावर सॉरी ए बी की पावर एम, ए बी टू द पावर एम क्या हो जाएगा, ए की पावर एम बी की पावर एम लगती है सेम। यहाँ पे टू का स्क्वायर फोर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब नोटिस करो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू कॉमन ले लो, फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन टू क्या बचा ब्रैकेट में, एक बच गई ये टर्म, क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू। अब ये बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है मेरा वन, ये पूरा क्या हो जाएगा वन, फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू इंटू में वन, तो आंसर क्या आ जाएगा फोर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू। क्वेश्चन नंबर फोर आप खुद बखुद कर सकते हैं।